अभी सोच रहा था कि हिंदुस्तान की जीत के पीछे वजह क्या है और हिंदुस्तान जीता क्यों है। सो काफी सोचने के बाद मेरी बात में ये समझ आई कि आज हिंदुस्तान अपनी इन्वेस्टमेंट की वजह से जीता है। आज हिंदुस्तान ने जो 20 साल पहले इन्वेस्टमेंट की अपने यंगस्टर्स के ऊपर वो जीता है। उस मैच में ऋतुराज ने 50 किया था, मगर पता चल गया था कि कुछ खास बात है इस लड़के में और सीवी इनका डेवलप हो रहा है, मगर वो जो जरासीम है ना ग्रेटनेस के, वो इनमें भरे हुए हैं। आज भी लाजवाब इनिंग्स खेले ये। फिर आके जो खूबसूरत शॉट्स जो दिखे हैं वो गायकवाड़ के बल्ले से दिखे हैं, कितने शानदार क्लासिक किस्म के शॉट्स उसने। रिस्टी वर्क एट इट्स वेरी बेस्ट जब गायकवाड़ बैटिंग करता, ही वॉज लुकिंग अमेजिंग एज ऑलवेज। और वो जितनी भी देर क्रीज पे खड़ा होता है बहुत शानदार किस्म के शॉट्स खेलता है। सबसे बड़ी चीज मैं तारीफ करना चाहूंगा, मैं ऋतुराज गायकवाड़ को देख के हैरान हूं। शमीर साहब, ये बंदा ओपनिंग करता है सेंचुरी मारता है, ये बंदा पिछले मैचेस में वन डाउन आ रहा था तो 50 करके जा रहा था, ये बंदे की पोजीशन उन्होंने नंबर 4 पे कर दी। वो लड़का हर पोजीशन पे रन करके देख रहा है। मैंने उसको एज अ ओपनर देखा, उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। मैंने उसको वन डाउन पे खेलते देखा, उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। मैं उसको फर्स्ट टाइम के ऊपर नंबर 4 के ऊपर देख रहा हूं ऋतुराज को। उसके अलावा संजू सैमसन का भी अच्छा इंटेंट था। देखो यार, बात यह टीम इंडिया ने स्कोर तो अच्छा कर दिया, ये कोई सीरीज इंडिया ने ही जीतनी थी, इसमें तो नहीं था जिम्बाब्वे ने जीतनी थी। वो पहला थोड़ा सा ये हल्का ले गए, इंडिया ने अच्छे स्कोर सेटल कर दिए। शुभमन गिल, जिसका आगाज 160-170 के स्ट्राइक रेट से हुआ था, इवेंचुअली वो 120 के स्ट्राइक रेट पर चला गया और इवेंचुअल स्ट्राइक रेट 49 बॉलों में 66 रन, 3 छक्के, 7 चौके, 134 का स्ट्राइक रेट, 134.69 टू बी वेरी प्रिसाइज। वो बहुत ही सेफ क्रिकेट आज शुभमन गिल खेल रहा था। इन बच्चों ने बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत किया और इंडिया की इन्वेस्टमेंट काम आ गई, और ये इन्वेस्टमेंट ही थी जो हिंदुस्तान को आज पे बैक कर रही है सर। और उसको ओपनिंग में फिर गिल को कप्तानी का मुजाहरा करते हुए बड़ा जरा दिल दिखाते हुए खुद से वन डाउन आना चाहिए था। बेहतर होता कि अगर वो अभिषेक शर्मा को ही ओपनिंग करवा देता। दोनों ने बैटिंग की है, शुरू के 3-4 ओवर तो अच्छा था, हिसाब किताब ज्यादा तेज रन आ रहे थे, फिर अच्छा कम बैक किया उन्होंने। फिर आके जो खूबसूरत शॉट्स जो दिखे हैं वो गायकवाड़ के बल्ले से दिखे हैं, कितने शानदार क्लासिक किस्म के शॉट्स उसने। रिस्टी वर्क एट इट्स वेरी बेस्ट जब गायकवाड़ बैटिंग करता, ही वॉज लुकिंग अमेजिंग एज ऑलवेज। और वो जितनी भी देर क्रीज पे खड़ा होता है बहुत शानदार किस्म के शॉट्स खेलता है। एक शॉट जो उसने कीपर जरा पीछे था, वो मीडियम फास्ट सा बॉलर लगा हुआ था, क्रीज से निकल के उसको एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जो शॉट मारा है खूबसूरत, और उसका बैक फुट वो जिस तरह बैंड करके और पूरा वजन फ्रंट फुट में डाल के निकल के, इतना खूबसूरत शॉट था वो। बाकी भी उसने लाजवाब किस्म के शॉट खेले, 150-155 के आसपास का टोटल भी अच्छा डिसेंट होता, लेकिन ये जिम्बाब्वे की रीच से तो बाहर हो चुका है। चलो गेंदे अगर थोड़ी कम थी तो जहां पे जिस स्टेज पे संजू सैमसन को भेजने, उस स्टेज पे रिंकू को भेजें, यार रिंकू से अच्छा हिटर अब नहीं है। उसका स्ट्राइक रेट है ना 170-180 का, वो मतलब एंड की बॉल्स पे चौके छक्के मारता है सबसे ज्यादा। रिंकू को भी मतलब पिछले मैच में आपने देखे, आपने उसको थपकी दी जब इंडिया और जिम्बाब्वे के दरमियान T20 सीरीज के तीसरे मैच के अंदर। गुज़िश्ता पहले दो मैचेस के अंदर शुभमन गिल की परफॉर्मेंस डाउन थी, लेकिन लग रहा था कि शुभमन गिल कमबैक करेंगे, क्योंकि इस न्यू टीम के अंदर सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर शुभमन गिल हैं, और शुभमन गिल ही वो नाम है जिसने बड़े बड़े मैच खेले हैं। और वही हुआ आज के तीसरे मैच के अंदर, शुभमन गिल के शानदार 66 रन की इनिंग, उनका साथ दिया ऋतुराज गायकवाड़ ने। ऋतुराज गायकवाड़, रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, ये चार वो नाम है जो कंसिस्टेंसी से अपने हर मैच परफॉर्म कर रहे हैं, अगरचे कोई एक आधे मैच में ना करे, अदरवाइज हर खिलाड़ी तीनों मैचेस में कंसिस्टेंसी बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। बिलखसूस इंडियन प्लेयर्स की खास बात यह कि वो हर खिलाड़ी छक्का मारता है, चाहे रिंकू सिंह हो, चाहे शुभमन गिल हो, चाहे सूर्य कुमार यादव हो, अगरचे वो टीम से बाहर है, लेकिन उसके अलावा अभिषेक शर्मा, ये 3-4 वो नाम है जो बेहतरीन छक्के मारते हैं। बिलखसूस जो इंडिया यंग टीम का बेस्ट फिनिशर रिंकू सिंह, इंडियन टीम का रिंकू सिंह बिल्कुल असल टीम के हार्दिक पांड्या को इम्प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह हार्दिक पांड्या बैटिंग करते थे, जिस तरह हार्दिक पांड्या की जगह टीम को जरूरत थी, उसी तरह बिल्कुल रिंकू सिंह ने टीम को सहारा दिया है। शुभ अख्तर का कहना है कि शुभमन गिल की बैटिंग एक बिल्कुल एक्सपीरियंस प्लेयर की बैटिंग है। शुभ अख्तर का कहना है कि शुभमन गिल की बैटिंग देखकर लगता है कि शुभमन गिल मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं बड़े मैच के लिए, बड़ी रेस के लिए। सैयद अफरीदी का कहना है कि यंग इंडियन को मौका देना बड़ी खास बात है इंडिया टीम के लिए, बिलखसूस बीसीसीआई बोर्ड ये चाहता है कि जब तक उनके बड़े लोग रिटायर हों, उससे पहले यंग इंडियन टीम में अपनी जगह बना लें, और जब तक इंडिया के बड़े लड़के रिटायर होंगे 2 साल तक, तब तक इंडियन की यंग टीम इस काबिल हो जाएगी कि वो बड़े बड़े फोरम पर जाकर खेल सके। 28 बॉल 49 रन की जिस तरह से फायरिंग खेली उसने इनिंग, तो भाई ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है, बहुत ज्यादा इंप्रेस किया उसने। हालांकि चौथे नंबर पे आके मुझे लगता है ये रियान पराग की खा गया जगह,
और रेहान पराग जो बड़ा एटीट्यूड दिखाता होता था कि भाई मैं वर्ल्ड कप का मैचेस नहीं देखता क्योंकि मैं स्क्वाड में नहीं था, बेटा जायसवाल का वो खा गया ऋतुराज गायकोड तेरी जगह परफॉर्म। उसके अलावा संजू सैमसन का भी अच्छा इंटेंट था। देखो यार बात ये टीम इंडिया ने स्कोर तो अच्छा कर दिया, ये कोई सीरीज इंडिया ने ही जीतनी थी इसमें तो नहीं था, जिम्बाब्वे ने जीतनी थी, वो पहला थोड़ा सा ये हल्का ले गए, इंडिया ने अच्छे स्कोर सेटल कर दिए, 70% इंडिया जी जीता हुआ है। बट ये सीरीज है यंगस्टर्स का टेस्ट, यंगस्टर्स के टेस्ट में आपने देख लिया गिल ने क्या किया, जायसवाल ने क्या किया, संजू सैमसन को जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है उसने क्या किया, और उसके अलावा रेहान पराग ने क्या किया पिछले मैच में, इससे पिछले मैच में, और उसके अलावा ऋतुराज गायकोड ने क्या किया। तो भाई ये T20 सीरीज इस बारे में है कि भाई आगे अब जो बैकअप्स होने हैं सूर्य कुमार यादव का, ऋषभ पंत का, तो इनका बैकअप के तौर पर हमने किस प्लेयर को ट्राई करना है, तो ये सारी सीरीज उसके तौर पर टीम इंडिया इस तरह से देख रही है। बिश्नोई उड़ा के रख देगा, सुंदर उड़ा के रख देगा, और इंडिया वन बॉलर शॉर्ट भी है, आप इस बात को भी देखो, चार ओवर जो है अभिषेक शर्मा और शुभम दुबे करें। बट आईपीएल क्रिकेट खेल के इंडिया के क्रिकेटर्स का इतना एक्सपीरियंस है ना, तो वो उनको हर एक सिचुएशन का आइडिया होता है। भाई आप रंस के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, आप कप्तान हो, कॉम्बिनेशन आपकी वजह से कुछ कर दिया गया, एक नेचुरल एंड एग्रेसिव ओपनर अभिषेक शर्मा को तीसरे पे भेजा गया, ऋतुराज गायकोड जो कि नेचुरली ऊपर टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है उसको मिडिल ऑर्डर से संभालने की जिम्मेदारी एकदम से दे दी गई, पर रेहान पराग भी आज के गेम में ड्रॉप हो गया। चलो सब कुछ सही है, सबको समझ आ गया कि ठीक है जिम्बाब्वे ने बड़ी कमाल बॉलिंग कर दी, ये कर दी, जब अपना चौथा तीसरा विकेट गिरता है तो उसके बाद भी आप वहां रिंकू सिंह को पढ़ दी, मतलब उसकी मुझे थॉट प्रोसेस समझ नहीं आया कि रिंकू सिंह जो कि डेजिग्नेटेड आपके लिए फिनिशर है, आप वहां संजू सैमसन को एक नए रोल के अंदर आजमा रहे हैं जहां संजू सैमसन नंबर पे खेल रहे हैं क्योंकि शुभम गिल को ऊपर एडजस्ट हो, शुभम गिल जिसका आगाज 160 170 के स्ट्राइक रेट से हुआ था इवेंचुअली 120 के स्ट्राइक रेट पे चला गया और इवेंचुअल स्ट्राइक रेट 49 बॉलों में 66 रन 3 छक्के 7 चौके 134 का स्ट्राइक रेट 134.69 टू बी वेरी प्रिसाइज, वो बहुत ही सेफ क्रिकेट आज शुभम गिल खेल रहा था। शुभमन गिल इज अ गुड एनफ बैटर, इज अ प्रॉपर स्ट्रोक प्लेयर, वो तीसरे नंबर पे आ गया, आराम से एडजस्ट हो सकता था और उसको, लेकिन यहाँ चलो शुभमन गिल भी स्टैंडिंग कप्तान है, कप्तान की यहाँ सोच से ज्यादा यहाँ मैनेजमेंट की सोच, बैकरूम स्टाफ की सोच के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन। तो दूसरे एंगल के ऊपर ऋतुराज गायकोड है जिनको आते ही इंस्टेंट शुरू की, 3-4-5 बॉलों की एक टाइम लिया उसने, कंज्यूम किया, कंडीशन को असेस किया, सिचुएशन को रीड किया, इवेंचुअल 28 बॉलों में 49 रन 3 छक्के 4 चौके 175 का स्ट्राइक रेट, बैटिंग टेम्पलेट ऑफ संजू सैमसन 7 बॉलों में 12 रन 171.42 का स्ट्राइक रेट। But when you talk about Shubman Gill, that was actually the problem जहाँ इंडिया की 182 और मरे समारा 200 रन के बीच का जो फर्क है,